खरगोन में आज प्राचीन नवग्रह मंदिर में सुबह से ही मकर संक्रांति के पर्व को लेकर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मकर संक्रांति पर धार्मिक महत्व के चलते दिन भर मेले जैसा माहौल रहा। श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगकर भगवान नवग्रह के दर्शन कर रहे थे। खरगोन जिले में मकर संक्रांति का पर्व आज 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। करीब 1,00,000 से अधिक श्रद्धालु आज दिन भर में दर्शन करेंगे। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रदेश ही नहीं, सीमावर्ती महाराष्ट्र गुजरात सहित देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। सूर्य देव की प्रतिमा पर सूर्य की पहली किरण पड़ने से धार्मिक आस्था जम कर रहती है। सूर्य की अगवानी का पर्व पर सूर्य प्रधान नवग्रह मंदिर में दर्शन मात्र से ही भगवान नवग्रह का विशेष आशीर्वाद भक्तों को मिलता है। गर्भगृह में भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति मंदिर में बीच में विराजित है। मकर संक्रांति के दिन आज प्राचीन नवग्रह मंदिर में सूर्योदय से पहले ही भक्तों की भीड़ जमा हो गई। श्रद्धालु दान पुण्य भी कर रहे हैं। दान पुण्य का भी मकर संक्रांति पर विशेष महत्व है। संक्रांति पर प्राचीन नवग्रह मंदिर में सुबह 4 बजे से लोगों की भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि मकर संक्रांति के पर्व पर मंदिर में पूरे देश से श्रद्धालु का सैलाब उमड़ा है। मकर संक्रांति पर नवग्रह मंदिर को लेकर 1 माह का मेला भी लगता है। नवग्रह मंदिर के चलते ही प्रदेश ही नहीं देश में खरगोन की पहचान नवग्रह की नगरी के रूप में है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। दर्शन करने का आज मकर संक्रांति का पर्व है। हिंदू संस्कृति के हिसाब से जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं तो हिंदू संस्कृति में एक महापर्व होता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के पर्व पर मध्य प्रदेश में निमाड़ को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर भगवान आदित्यादि नवग्रह देवता विराजमान है और निमाड़ की जनता अपनी खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए यहाँ पर प्रातःकाल से ही प्रार्थना करने भगवान के चरणों में पधारती है और उनके जीवन में जो ग्रहों के दोष और उतार चढ़ाव होते हैं उनका निवारण करने के लिए साथ साथ यहाँ पर पौराणिक काल से एक प्रथा चल रही है कि मकर संक्रांति के दिन निमाड़ अंचल से प्रत्येक व्यक्ति की यह कामना होती है कि मैं नवग्रह मंदिर के परिसर में जाऊँ और वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करूँ। तो एक विचित्र संयोग है कि यहाँ लाखों की संख्या में सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ पूरे दिन भर चलता है। दिनेश पटेल। मकर संक्रांति महापर्व जो होता है सूर्य की अगवानी का महापर्व है। उत्तरायण काल का आज प्रारंभ होता है। सूर्य हमारी ओर आते हैं, उनके स्वागत के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। शहर के प्राचीनतम श्री नवग्रह मंदिर में यह उत्सव बड़े धूमधाम के साथ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आज 15 जनवरी 2024 को यह उत्सव प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्यदेव नवग्रह माँ बगलामुखी के महाअभिषेक के साथ प्रारंभ हुआ है। सूर्य किरण और सूर्य रथ पर गमन करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की जो परंपरा है वह यहाँ पर हमें भली भांति दिखाई देती है और इसी कारण ब्रह्म मुहूर्त में नवग्रह मंदिर में दर्शन का सबसे ज्यादा महत्व होने के कारण ब्रह्म मुहूर्त से दर्शनार्थी यहाँ पर पूजन अर्चन के लिए आते हैं। प्रातः भगवान की महाआरती होती है और आज के दिन यहाँ पर 551 किलो तिल गुड़ के मोदक की महाप्रसादी का भोग लगाया जाता है। साथ ही सूर्योदय से सूर्यास्त तक सत्यनारायण कथा पाठ का आयोजन भी होता है। दिन भर में कितने श्रद्धालु आते हैं? श्री नवग्रह मंदिर में मकर संक्रांति सबसे बड़ा उत्सव है। न केवल जिले भर और प्रदेश से, पूरे भारत भर से 1,00,000 से अधिक दर्शनार्थी आज यहाँ दर्शन लाभ लेंगे। साथ ही सूर्य के प्रत्यर्थ यहाँ पर तिल गुड़ और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आचार्य लोकेश जागीरदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।